फोटो बताइए। यस से कुछ ही पलों में मैंने गुजरे कई साल फिर से सीक्वेंस एक्चुअली ये है कि मैं कई सालों बाद वापस अपने शहर आई हूँ और हमारे फैमिली फ्रेंड से ये जो सुमन का घर है मैं वहाँ पे हक से रह सकती हूँ क्योंकि मैं अपने खुद के घर हक से नहीं जा सकती, तो बस यहाँ आई हूँ और ट्राइंग टू गेट इन टच विद माय सन, अपने बेटे को देखना चाहती हूँ एक बार, बस ये सीक्वेंस चल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, आगे सीक्वेंस किस तरह का टर्न और ट्विस्ट मिलेगा, मतलब देखने को, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है टर्न और ट्विस्ट थोड़ी ना बता सकती हूँ मैं, बट हाँ स्टोरी का प्रेमिस ही यही कि इट्स द एस्ट्रेंज्ड मदर और अपने बेटे से दूर है, कुछ होंगी उसकी मजबूरियाँ या गलतियाँ की है उसने, वो प्रायश्चित करना चाहती है नहीं चाहती जो भी है, तो बस वो अपनी बेटी को मिलना चाहती है और रिकनसाइल करना चाहती है। जो मतलब आप लोगों का वर्किंग आवर्स होता है काफी मतलब लंबा होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ कहने के कुछ मतलब आपको कंप्लेन है इस बारे में कि वर्किंग आवर्स जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता है क्योंकि नहीं, अभी इनफैक्ट काफी सिस्टमैटिक हो गया है और वर्किंग आवर्स है एरेटिक है, लंबे लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, बट अभी आई थिंक 12 आवर्स इज मैक्सिमम। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम 36 आवर्स 72 आवर्स तो ऐसे ऐसे मतलब शिफ्ट खत्म नहीं होती थी, तो ये काफी सिस्टमैटिक हो गया। आई एम ग्लैड, मतलब मैंने वो टाइम भी देखा है और आज कंपेयर करती हूँ तो खुशी। टेलीविजन शोज मतलब चांस पे आते हैं, वेब सीरीज का जमाना है, मतलब नेट पे भी आप देखते होंगे। वेब इज द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच किया जाए तो आप प्रेफर करेंगे उसे। किया गया था लेकिन वो फॉर्मेट मेरे लिए काफी नया है, तो मैं पहले देखूंगी कि रिस्पॉन्स कैसा है, हाउ इज द इंडियन ऑडियंस डीलिंग विद इट, रहा तो आई विल ट्राई इट श्योर। शो का जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के लिए है, आज के दौर में जो रिलेशनशिप हो, कोई रिलेशनशिप हो, वाइफ हस्बैंड का हो या बच्चे माँ बाप का हो, कितना ज्यादा आपको लगता है मतलब इमोशनल रहता है या लोग केयरफ्री हो गए मतलब रिलेशनशिप को लेके? ऐसा तो नहीं है, मे बी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बाजू में रख के आई विल जस्ट गिव अ जनरल ओपिनियन कि हाँ है थोड़ा सा लोग एक दूसरे से अलग और इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे हस्बैंड वाइफ भी हो गए, उनके अलग अपने पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, मतलब लाइफ में उसका भी करियर है, हस्बैंड का भी करियर है, बच्चे दे डोंट नीड द मदर एज मच, वो भी अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट है, फैमिलीज कभी बहुत रेयरली मिलती है, तो है रिफ्ट बढ़ गया है और डिस्टेंस बढ़ गया है, अभी पहले जैसा नहीं है। मतलब आपका कैरियर पहले भी आपने कई शो किए हैं, मतलब अच्छा। ये जो शो में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इतना क्या इन्फ्लुएंसिव लगा, क्या फीलिंग लगा कि आपने ये शो करने अच्छा इस एक डेली सोप, तो अब हमको पता है कि सास बहू शोज है, सास होगी एक बहू होगी, बट हर शो में मेरे कुछ तो मैं ढूंढती हूँ कि इसमें अलग क्या है, तो यहाँ मैंने क्या ढूंढा, ये जो किरदार है मेरा वो उसने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में उसके लिए वो किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, कि उसने अगर घर छोड़ा, बच्चा अपने पति के पास छोड़ के अपना करियर परस्यू किया, उसके लिए वो कसूरवार नहीं है, मतलब शी इज़ टोटली अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, शी इज़ ग्लैड शी डिड इट, एंड टुडे वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी साइड समझे और रिकनसाइल करे, वो उससे माफ़ी मांगने नहीं आई है, उसे एहसास दिला रही है कि मैं गलत नहीं थी, योर फादर या शी इज़ स्ट्रांग, तो इट्स अनलाइक अंजलि और इट्स अनलाइक निलंजना, इट्स अनलाइक ऑल द अदर कैरेक्टर्स, तो है या थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट है। ये भी बताइए, मतलब ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी मतलब प्रोफेशन हो, मान लीजिए एक्टिंग हो या कोई अदर प्रोफेशन हो, इंस्पायर्ड होता है, आप किससे इंस्पायर हो किस प्रोफेशन में है, और आपका अल्टीमेट जो मतलब होता है ना ड्रीम रोल होता है या कुछ ऐसा होता है कुछ करना चाहती हैं आगे चल के? मेरा ड्रीम रोल, वाओ, मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं आई एम टिपिकल क्विंटेसेंशियल डेली सोप एक्टर हूँ, मैं मैंने कभी फिल्म परस्यू भी नहीं किया है, बट हाँ मुझे आई वांट प्ले एन अल्कोहलिक, नहीं क्योंकि मेरा अगर ड्रीम रोल का बोलेंगे तो आई वांट टू प्ले साहिब बीवी गुलाम की मीना कुमारी जी, द रॉन्ग्ड वुमन फॉर रॉन्ग, मतलब शी इज अ राइट वुमन रॉन्ग बाय द हस्बैंड। लास्टली ये बता दीजिए ये जो शो है इसका क्या यूज़ मानती हैं दर्शक, अगर इसे देखना पसंद कर रहे हैं या अच्छा रिस्पांस है तो क्यों है, मतलब क्या आप मानती हैं किस तरह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्या इसमें खास यूएसपी है? आप खुद ही देख लीजिए कि हमारा सेट कितना ऑथेंटिक है, बहुत ऑथेंटिक है, यहाँ पे फर्स्ट हो गया सेटअप बड़ा ऑथेंटिक है, हम लोग वो टिपिकल ज़्यादा
डेक्ट अप नहीं है, नेचुरल है. मतलब अगर हमारे बाल भी बिखरे रहेंगे, हम जैसे यूजुअली घर में घूमते फिरते रहते हैं वैसे, मतलब शो ऑफ नहीं है, नेचुरल है. एवरीबडी इज नेचुरल आउट हियर. तो हाँ, तो